हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ सुबह की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट और बहुत ही कम चीजों से। मैंने इधर दो टमाटर लिया है, आधा शिमला मिर्च, चार हरी मिर्च, दो प्याज, चार पांच लहसुन और लिया एक छोटी सी आलू। ठीक है, ये पूरी फैमिली के लिए आप ये ब्रेकफास्ट बना सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बनाने चलते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे, इस तरह से हमें काट लेना है। फिर हम आधा जो शिमला मिर्च लिया है उसको भी ऐसे गोल गोल मोटे मोटे काट लेंगे। अब जो आलू हमने लेके रखा था उसको थोड़े मोटे मोटे करके क्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे, जो दो प्याज लिया था वो और जो चार पांच लहसुन लिया था वो और जो हमने मिर्च लिया था वो सारा हम अच्छे से बारीक चॉपिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक खाली कटोरी लिया जिसमें चावल का आटा हम चार चम्मच डाल देंगे। इसमें डालेंगे जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था वो, इसमें डालेंगे प्याज लहसुन और जो हमने मिर्च चॉपिंग करके रखा था वो, डालेंगे आधा चम्मच नमक छोटा चम्मच, आधा चम्मच जीरा छोटा चम्मच, आधा चम्मच सब्जी मसाला छोटा चम्मच, छोटा चम्मच में गरम मसाला का पाउडर। हमने सारे इंग्रेडिएंट मिला लिए। अभी हम हल्का सा गरम पानी करेंगे गुनगुना, जो इसमें हम एक बेटर सा पेस्ट बनाएंगे। हमारा जो पानी है गुनगुना गरम हो गया है, तो हमें थोड़े थोड़े करके इस बेटर को मिलाना है, थोड़ा पतला सा पोर बनाना है और पतला करना है हमें। हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा मिला लेंगे तो इस घोल पे हमें आधा कटोरी दही डाल देना, कर्ड डाल देना। इसके इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा, आप जरूर बनाइए और फिर खा के मुझे कमेंट जरूर करना। ये आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, या आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से आपको एक बैटर जो होता है ना, देखिए बन गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाया और गैस को किया ऑन। हम कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे 2 मिनट। हमारा जो कढ़ाई है बहुत अच्छे से गर्म हो गया, तो हमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ही डालना है, 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं 2 मिनट। ऊपर से डालना है और थोड़ी सी डालेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। हम अब फिर से इसका ढक्कन ओपन करेंगे और देख सकते हो आप बहुत अच्छे से ये पक गया, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये जो सॉस हमने बनाया है ये ऊपर से हम 1 चम्मच देके अच्छे से सारे ऊपर हम लगा देंगे। अब हम और 2-3 मिनट इसको अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा सा चीज ग्रेट कर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर दबाइए। मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये है हमारा फाइनल लुक, जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए और घर पे जरूर खाइए। बाय, टेक केयर।